लैक्टेशन आदि क्लासेस। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं सैंपल पेपर क्लास यूकेजी का। यूकेजी क्लास का इंग्लिश सैंपल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्लास यूकेजी का इंग्लिश सैंपल पेपर जो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपने सिखाया है, बस उसी में से आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि उनको बताने होते हैं, समझाने होते हैं, क्योंकि उनको आता तो है, ये सारे वॉवल्स भी आते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं, उन्हें स्मॉल और कर्सिव कैपिटल भी आता है, स्मॉल कैपिटल दोनों तरह से अल्फाबेट भी लिख लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है। तो आपको इस तरह से कुछ सैंपल पेपर्स बना करके घर पे कराना है, सॉल्व कराना है, जिससे कि उन्हें एग्जामिनेशन में कुछ भी टफ ना लगे और बहुत ही आसान लगे कि पेपर तो वही है जो मम्मा ने घर पे कराया है या पापा ने घर पे दिया है। तो बस इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं और इन सैंपल पेपर्स के थ्रू आपको बच्चे की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं चेंज कैपिटल टू स्मॉल कर्सिवेटर। तो स्मॉल कर्सिवेटर और कैपिटल कर्सिवेटर ये बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और वो कर भी लेते हैं कि हाँ मुझे पूरा पूरा लिखना आता है। अगर आप उन्हें लिखने को देते हो तो वो कैपिटल में स्मॉल अल्फाबेट्स और स्मॉल में कर्सिव में अल्फाबेट बहुत आसानी से लिख लेंगे। लेकिन इस तरह से जब दोनों चीजें एक साथ लिखने को आ जाती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ए, अब ए को कर्सिव में कि स्मॉल कर्सिव लेटर में कैसे लिखना है, तो ए ये होगा आपका स्मॉल कर्सिव लेटर, बी इसी तरह से सी जी एल क्यू, यही आपको यहाँ पर कर्सिव सिखाना है बच्चे को कि बेटा चाहे वो स्मॉल में आए तब भी आपको कैपिटल में कर लेना है और चाहे वो कैपिटल में आए तो आपको स्मॉल में कैसे करना है। तो इस तरह से एक टॉपिक आप एक दिन में सिखाइए। बच्चे छोटे होते हैं, उनका मन होता है तो पढ़ते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके मूड पर डिपेंड होता है पढ़ाई कराना। बड़े बच्चों को तो इजी है पढ़ाना, बट दोस्तों छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने मूड पढ़ाई करते हैं, उनको कभी आप पढ़ा नहीं सकते हो जबरदस्ती। तो इस तरह से जब भी उनका मूड हो आप एक टॉपिक ले लीजिए और एक टॉपिक उन्हें आप क्लियर करा दीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, जैसे कि मिसिंग वॉवल्स। यहाँ पर फिर इन द मिसिंग वॉवल्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, ये सारे वर्ड्स लगभग बच्चों को याद करा दिए जाते हैं क्लास यूकेजी तक आते आते। तो जैसे बी ई डी बेड, लेकिन सबसे पहले आपको वॉवेल्स सिखाने होंगे। वॉवेल्स ए ई आई ओ एंड यू, तो सबसे पहले आपको वॉवेल्स बच्चे को सिखाना है। अगर आपने अभी तक नहीं सिखाया है तो ये जरूर सिखा दीजिए। जो फाइव वर्ड्स होते हैं वॉवेल्स के, ये उन्हें बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कॉन्सोनेंट तो याद नहीं कर पाएंगे बच्चे और उनके लिए टफ पड़ेगा। वॉवल्स केवल फाइव ही होते हैं और ये फाइव लेटर्स उन्हें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं जो कि आगे तक उन्हें काम आते हैं। तो ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल्स ही यहाँ पर फिलअप करने हैं, एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड यहाँ फिलअप नहीं करना है। उन्हें अच्छे से समझा दीजिए, उसके बाद आप ये वर्ड दीजिए। जैसे बी ई डी बेड, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, एस आई टी सिट, एफ ए टी फैट, आर ई डी रेड, बी ओ एक्स बॉक्स, EREE tree, RICH rich। इस तरह से आपने देखा कितना इजी था बच्चों को सिखाना। तो आप ये वॉवल्स सिखाना, वॉवल्स अगर आप इस तरह रटा देते हो बेटा ए ई आई ओ यू वॉवल्स है, बच्चा कितने दिन तक याद रख सकता है, कुछ ही दिन तक याद रखेगा फिर भूल जाएगा। लेकिन इन वर्ड्स के थ्रू अगर आप फिलअप कराते हो तो उसके एग्जाम में भी काम आएंगे और उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ मम्मा ने या पापा ने मुझे ऐसे वॉवल्स लिखने को बताया है तो हम इस तरह से फिलअप करेंगे। लेकिन ये वर्ड्स जो होते हैं ये वॉवल्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमने वन और टू देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू वॉवल्स के बाद, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू वॉवल्स के बाद हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे हमने बच्चों को वॉवल्स पहले बताया, वॉवल्स से वर्ड्स फिलअप कराए, तो उसी के बाद कॉन्सोनेंट्स कैसे लर्न कराए, बट कॉन्सोनेंट ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने फिलिंदा ब्लैंक्स दे दी है, तो इन फिलिंदा ब्लैंक्स के थ्रू बी लिखा हमने, बी के बाद क्या आएगा सी डी, फिर आता है ई। यही बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि उसे यही सिखा देना है ए ई आई ओ यू जो है वॉवल्स है वो जहां पर भी आते हैं वो उसको यहाँ फिलअप नहीं करने हैं, बस उतना ही ध्यान रखना है। ए बी सी डी ई छोड़ देना है, ए बी सी डी ई एफ,
ओके जी एच, फिर आता है आई, तो आई भी हम नहीं भरेंगे, आई जे के। तो इस तरह से देखिए ई हमने छोड़ दिया, ए बी सी डी ई आना चाहिए, ई हमने छोड़ दिया, फिर एफ, एफ के बाद जी एच आई आया, आई हमने छोड़ दिया, जे के, ओके। इसी तरह एल, फिर एम, एन, ओ आएगा, एल एम एन ओ आएगा। इसी तरह से डी, डी के बाद क्या आता है ई, तो ई नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई के एल एन जो भी है। तो उसी तरह से कॉन्सोनेंट फिलअप करने को आप दीजिए, एक एक दो दो लाइन्स आप डेली बच्चे को दे दीजिए करने को, दो दो लाइन्स दे दीजिए, कॉन्सोनेंट बच्चा भरेगा, वॉवल्स भरेगा, जितना ही आप प्रैक्टिस कराओगे उतना ही उसको अच्छे से लर्न होगा। ए लेटर वर्ड्स, ई लेटर वर्ड्स, आई लेटर वर्ड्स, ओ लेटर वर्ड्स एंड डबल ओ लेटर वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स बच्चों को याद कराए जाते हैं और बहुत ही आसानी से इसी तरह से स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो स्कूल में जो सिखाया जा रहा है उसी को अगर आप रिवाइज करा दोगे घर पे तो बच्चे के लिए काफी डबल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है क्रॉस द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर कुछ जैसे लेटर्स दे दिए जाते हैं, नंबर्स दे दिए जाते हैं वर्ड्स के, ये वर्ड्स नंबर्स इतने हैं, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, इसमें बच्चे को ऑड वर्ड को ढूंढना है। देखिए यहाँ जैसे डेन है, डीएल है, हेड है, जैसे ई एल लेटर वर्ड्स, ई लेटर वर्ड्स, तब ई डबल एल, एल लेटर वर्ड्स, ई डी लेटर वर्ड्स। तो ई डी से लेटर वर्ड से जो वर्ड्स बन रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो गलत है उन्हें बच्चे को क्रॉस कर देना है या फिर सर्कल कर देना है, या क्रॉस की बात हो रही है, क्रॉस करना है। तो ई एन देखिए, बी ई एन, तो ई एन सही है, फिर बी एर हैन, ई एन ई एन, यहाँ पर दोनों ही ई एन आ रहा है, ई एन सही है, लेकिन बी एर जो है इसको हम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि बी एर जो है वो ई एन लेटर वर्ड्स का वर्ड नहीं है। फिर ई की लेटर वर्ड्स का लेट है आपका, बेट है, बट बेल क्या है, ई की लेटर वर्ड्स का वर्ड नहीं है। नेक्स्ट ई डबल एल एल, तो उसका बेल है, वेल है, बट एन ई की ई डबल एल की एल लेटर वर्ड्स का वर्ड नहीं है। एल वेल है, बेड है, बट सेल आपका क्रॉस होगा क्योंकि सेल ई की लेटर वर्ड्स का वर्ड नहीं है। इस तरह से क्रॉस करके आप लेटर वर्ड्स पता लगा सकते हो बच्चे को, ए लेटर वर्ड्स, ई लेटर वर्ड्स, आई लेटर वर्ड्स कितना समझ में आया है और कितना वो लिख ले पा रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारा डेज नेम। डेज नेम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बच्चों को क्लास यूकेजी तक याद करा दिया जाता है और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो ये भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि बच्चे को किस तरह से डेज नेम यानी कि वीक्स नेम याद कराए जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जिस दिन जो डे हो उस दिन आप उसकी स्पेलिंग लर्न करा दीजिए। जैसे आज मंडे है तो हमने लिखा मंडे, तो मंडे एम ओ एन डी ए वाई मंडे। आप दिन भर में कम से कम 2-3 बार बच्चे से इसको पूछते रहिए कि बेटा आज कौन सा डे है, मंडे है, ओके आज कौन सा डे है, मंडे है, मंडे की स्पेलिंग बताइए, क्योंकि स्पेलिंग अगर नहीं याद होगी तो सिर्फ बोलने से बच्चा लिख नहीं पाएगा। तो इस तरह से डेज नेम आप वन बाय वन एक एक करके आप इजीली डेज नेम यानी कि वीक्स नेम लर्न करा सकते हो। उसके बाद आप मंथ्स नेम पर भी आओगे क्योंकि डेज के बाद भी मंथ्स नेम बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हमने लिए, टॉपिक्स तो बहुत है यूकेजी में भी और एलकेजी में भी और फर्स्ट में भी, हर क्लास में अच्छे खासे टॉपिक होते हैं जो बच्चों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर करके पढ़ाया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए